सर्वपितृ अमावस्या 2020। कब है ये तारीख? इस दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन कौन से लोगों को श्राद्ध करना चाहिए और पुत्र अगर किसी का न हो तो वो कैसे तर्पण कर सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। श्राद्ध पक्ष चल रहा है मित्रों, और अब सभी को सर्वपितृ अमावस्या का इंतजार है। उस दिन ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर गुरुवार को है। इसे अश्विन अमावस्या, बड़ अमावस और दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में एक सवाल जरूर उठता है कि यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो श्राद्ध और तर्पण कौन कर सकते हैं। शास्त्रों में इसका समाधान भी दिया गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि सबसे पहले तो पुत्र पितृ और पात्र प्रमुख हैं, यानी कि वह पुत्र पात्रता को प्राप्त होता है जो पितरों को तर्पण के द्वारा संतुष्ट करता है। उस पुत्र को पैतृक दोष रह ही नहीं सकता है जो पितरों का तर्पण करता है। मनुस्मृति और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे प्रमुख शास्त्रों में यही बताया गया है कि पुत्र के अभाव में पौत्र और उसके अभाव में प्रपौत्र अधिकारी होते हैं। पुत्र के अभाव में पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। इसी प्रकार से पत्नी का श्राद्ध पति भी कर सकता है। यदि पिता के अनेक पुत्र हों तो ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। यदि भाई अलग अलग रहते हों तो वे सभी कर सकते हैं, किंतु संयुक्त रूप से एक ही श्राद्ध करना अच्छा होता है। पुत्र परंपरा के अभाव में भाई तथा उसके पुत्र को भी अधिकार है। देवता यानी कि नाती, भतीजा, भांजा और शिष्यगण को भी पिंडदान का अधिकारी माना गया है। यदि कोई विहित अधिकारी न हो तो कन्या का पुत्र या परिवार का कोई उत्तराधिकारी श्राद्ध कर सकता है। पितरों के प्रति आदर पूर्वक श्राद्ध करने के लिए सात्विकता ग्रहण करना बहुत जरूरी है, अहंकार का त्याग करना जरूरी है। इन दो बातों को प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए। बड़ी अमावस्या का बड़ा लाभ क्या होता है? पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि में श्राद्ध और दान का विशेष महत्व है। यह चाहे श्राद्ध पक्ष की अमावस्या हो या फिर हर मास में आने वाली पितरों के तर्पण के लिए प्रमुख मानी जाने वाली अमावस्या। सूर्य की सहस्त्र किरणों में से अमा नामक किरण प्रमुख है, जिसके तेज से सूर्य समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं। चंद्र का ठहराव होता है उस दिन, और इसी कारण से धार्मिक कार्यों में अमावस्या को विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या का तो अपना ही महत्व है। इसे सबसे बड़ी अमावस्या माना गया है और इसके लाभ भी बहुत से हैं। पितृ दोष से पीड़ित जातकों के लिए ये दिन वरदान के समान है। इस दिन पितरों के निमित्त दिया गया दान, ध्यान, आवाहन, प्रणाम पितृ दोष की शांति का निमित्त बनाया गया है। जी हाँ, पितरों को आत्मा की शांति के लिए हर अमावस्या पर दान पुण्य करने का विधान है। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में सूर्यास्त तक घर के द्वार पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से तर्पण की अभिलाषा करते हैं। पितृ पूजा करने से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, पुष्टि, बल, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है, यानी कि जीवन की कठिनाइयां मिटती हैं। ऐसे सभी लोग अमावस्या के दिन तर्पण कर सकते हैं जिनको तिथि पता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि कौन सी तिथि को हमारे पूर्वज जो हैं वो देहावसान उनका हुआ है ये पता नहीं होता है। तो उस स्थिति में डेट जब ना पता हो, तारीख जब ना पता हो, तो अमावस्या के दिन तर्पण करना चाहिए। और अगर आपको तिथि पता है तो तर्पण करने के अलावा भी अमावस्या को जरूर तर्पण करना चाहिए। इसलिए क्योंकि सभी पितरों को नहीं पता होगा आपके दादा परदादा जी कौन सी तिथि को एक्सपायर हुए थे, सब दिन तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए एक आपके पिता का या आपके जो पूर्वज हैं उनका याद है तो उस तिथि को कीजिए। इसके अलावा एक तर्पण जरूर करना चाहिए अमावस्या को सभी को, क्योंकि उस दिन सभी पितरों का तर्पण हो जाता है। तो इस प्रकार से तर्पण का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए पितृ तर्पण। और पितृ तर्पण कहने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पिता का तर्पण किया जा रहा है। इससे मतलब होता है हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं अपने खानदान के उन सभी पूर्वजों का जिनकी बदौलत हमारा अस्तित्व है आज इस दुनिया में। अच्छा या बुरा जो भी है हमारे पास उनकी बदौलत है, तो उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं।
ये आज की वीडियो रही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से कमेंट में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए पितृदेव की जय जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें।